नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। कोरोना काल के बाद लॉकडाउन खुलने से ही राजस्थान सहित देश भर में सबसे पहले शराब की दुकान खोलने और उससे मिलने वाले राजस्व को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन अब शराब से व्यवसाय से जुड़े लोगों ने सरकार और आबकारी विभाग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए आंदोलन की बात कही है। साथ ही 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बता दें कि शराब ठेकेदार यूनियन की ओर से शराब ठेकों में गारंटी की बात समाप्त करने सहित इस सूत्रीय मांगों को लेकर शराब ठेकेदार सड़कों पर उतर आए। देश भर से शहीद स्मारक पर जुटे शराब व्यापारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया। वहीं सीएम हाउस की तरफ कूच किया, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बता दें कि लिकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने कहा कि लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद शराब ठेकेदारों पर शराब बेचने का दबाव बनाकर उनसे माल उठवाया जा रहा है। वहीं इस कारण कई ठेकेदार माल उठाने के बाद नहीं बिकने से आर्थिक रूप से कमजोर भी हो गए हैं। वहीं शराब ठेकेदार यूनियन की ओर से शराब ठेकों में गारंटी की बात समाप्त करने और नई शराब नीति में नीलामी बोली होने के कारण कंपोजिट फीस हटाने, वहां सभी प्रकार के राइडर हटाने और साथ ही साथ देशी शराब में BSF को एक्साइज में शामिल करने, अंग्रेजी शराब में बिलिंग पर 22% कमीशन करने, पिछले वित्त वर्ष की तरह बियर पर 10 रुपए प्रति लीटर और IMFL में 20 रुपए प्रति बल्क लीटर करने, साथ ही साथ दुकान खोलने का समय सुबह 9:10 बजे से रात 10 बजे तक, 2006 की नीति अनुसार एक मुफ्त परमिट फीस लेने और RSBCL और RTDC की तर्ज पर अनुज्ञाधारी को दुकान छोड़ने की अनुमति देने की मांग की जा रही है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।